Now we have to prove that angle B और C, मतलब एक ट्राइंगल का एंगल B और एंगल C यदि डिवाइड कर दिया गया बाइसेक्टर से तो एक और ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल का जो एंगल O है वो 90 डिग्री होगा। सो लेट अस ड्रॉ द फिगर एज सेड, दिस इज triangle ABC and bisector of this angle and bisector of C angle meet at point O. That's right. Then you have to prove that angle BOC is equal to 90 degrees. Let us name this, दो एंगल को हाफ हाफ किए थे, दिस इज वन एंड दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज टू, वन टू करने में सहूलियत होगी, चेंज कर। सो इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यदि हम इसको हाफ कर दें, चूंकि वन बाई चाहिए तो एक क्लू है हमारे पास, सो एंगल वन बाई टू प्लस एंगल वन बाई टू प्लस एंगल वन बाई टू सी इज इक्वल टू, हाफ किए हैं तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ये देखिए एंगल बी को हम लोग नाम दे देंगे, सो वन बाई टू एंगल ए प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वन बाई टू एंगल ए। ये इसकी जरूरत है, मतलब पहली बार हम इस ट्रायंगल में किए वन ए बी सी जो पुराना कंप्लीट है। नाउ इन दिस एंगल वी शैल सी इन ट्रायंगल क्या है बी ओ सी, बी ओ सी फिर वही हम लोग कितना रखेंगे, इसमें आएंगे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी हाफ है जिसको हमने वन नाम दिया है, वहां भी वन ही, वहां भी हाफ करके दिया है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाफ तो है ही। अब एंगल वन प्लस एंगल टू का मान यहाँ से भर देंगे, सो वी कैन राइट 90 डिग्री माइनस वन बाई टू एंगल ए इज इक्वल टू वन, सॉरी कितना वन प्लस, तो ये तो वन प्लस टू का वैल्यू रख दिया, वन प्लस टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वन बाई टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उस तरफ ले जाए तो हमको सिद्ध करना है एंगल ओ बी सी, ओ ये भी तो ऐड करना पड़ेगा, छूट रहा है, प्लस एंगल ओ, ये सब छोटी छोटी बात, और हम एंगल ओ इसको उस तरफ ले जा रहे हैं 180 डिग्री, ये उधर माइनस होगा तो 90 डिग्री माइनस हो गया, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 एंगल ए, और एंगल ओ इज इक्वल टू ये माइनस कर दें तो 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए, सो हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे सवाल में क्या करना है कि आपको पहले प्रॉब्लम बनाना है, जैसे ये देखा पहले समझ लेंगे, और ये इसका हाफ पहला इस एंगल में, ये एंगल बचा हुआ है, ये हाफ है, ये ध्यान रखना है, हाफ है इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को हाफ के टर्म में आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा,
क्योंकि हाफ के टर्म में आपको एंगल चाहिए, और देन चूंकि ये हाफ है ही, तो बी ओ सी में पहले ए बी सी में 180 डिग्री की मदद से निकालना है 1 + 2 एक तरफ करके, ताकि हम उस वैल्यू को पुट कर सकें, आधा कर ही दिए हैं। तो ये आधा वाला चीज़ जो भाई सेक्टर का जो कंसेप्ट है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा क्लू है 180 डिग्री ए बी सी में भी और ओ बी सी में भी। सो इन दिस वे वी कुड प्रूफ व्हाट वी आर टू प्रूफ। थैंक यू।